अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने किचन में संडे स्पेशल दावत में कश्मीरी चिकन कोरमा बनाने जा रहे हैं। ये बहुत ही लजीज डिश होती है और आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। थोड़ी लंबी है लेकिन बहुत ही डिलीशियस है, टेस्टी है। आप एंड तक देखते जाइए, मैं प्रोसेस बताते जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने तेल गरम करने रखा है। जब ये तेल अच्छी तरह गरम हो गया है, इसी तेल में मैं सारा सब कुछ पकाऊंगी। तो ये मैंने तीन बड़े प्याज चॉप करके रखे हैं, इनको फ्राई करके पहले साइड में निकाल देंगे। इसे गोल्डन फ्राई करना है और गोल्डन फ्राई करके निकाल देंगे। फिर इसके लिए जो मसाले लगेंगे आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, नहीं तो आप भूल जाएंगे। इसे गोल्डन फ्राई होने तक का वेट कीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको चिकन भून कर बताती हूँ। देखिए ये प्याज लाल हो रही है, इसके बाद प्याज छान लेंगे हम लाल करके, और फिर आपको बताते हैं। इसमें मैंने 1.25 किलो चिकन लिया है और इसे नींबू के रस में मैरिनेट करके रखा है अच्छी तरह वॉश करके। इसे हम प्याज लाल होने के बाद बघारेंगे और जब तक जो मसाले लगेंगे वो हम बताते हैं। सबसे पहले जो जरूरी है, इसमें ये काजू और बादाम का पेस्ट लगता है और इसे हमें थोड़ी देर पहले भिगाना पड़ता है। तो एक बाउल में हम काजू कनी और बादाम, एक बाउल में मैंने गर्म पानी करने के लिए रखा है, इसमें हम गर्म पानी डाल देंगे थोड़ा और ये थोड़ा फूल जाएगा। फिर इसके बाद इसका पेस्ट बनाकर हम यूज करेंगे। ये गर्म पानी हम पहले इसमें डाल देते हैं, इसमें ये अच्छी तरह फूल जाएगा जब तक प्याज लाल हो रहा है। फिर इसके बाद ये कश्मीरी मिर्च भी मैंने 6-7 गर्म पानी में भिगो कर रख दिया है, इसे बाद में हम इस्तेमाल करेंगे। कश्मीरी मिर्च तीखी नहीं होती, कलरफुल होती है। इसे तकरीबन गर्म पानी में 5-10 मिनट भिगाएंगे तो फूल जाएगी। फिर इसके बाद हम पेस्ट बनाएंगे। और ये पानी उबल रहा है, इसमें ये टमाटर हम अखे खड़े टमाटर इसमें डाल देंगे और इसे 5-10 मिनट तक उबलने देंगे और इसका स्किन हम निकाल कर इसका पल्प बना के यूज करेंगे। प्याज लाल हो रहा है, जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो आपको बताते हैं निकाल कर फिर क्या करना है। अब टमाटर 5-7 मिनट हो गए, पानी उबल गया, इसलिए मैंने गैस बंद कर दिया है। और अब इसे हम थोड़ा ठंडा होने के बाद इसकी स्किन निकालेंगे। स्किन उतारेंगे और ये देखो प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम गैस मध्यम आंच पे रखते हैं या अब गैस बंद कर देंगे, नहीं तो प्याज जल जाएगा। और इसे हम साइड कर लेते हैं। इसमें से तेल थोड़ा हम अलग निकाल लेते हैं जो कोरमे में यूज करेंगे। इसे साइड कर देंगे। अब इसमें हम एक छोटा अनियन, इसमें हमने छोटा अनियन चॉप करके रखा है, ये लाल करेंगे। इसमें हम प्याज के साथ साथ में ये 1/2 चम्मच जीरा है और थोड़े से गरम मसाले, एक बादियान फूल, तीन बड़ी छोटी इलायची, 3 लौंग और 1 पीस दालचीनी का और 2-3 तेज पत्ता है। इसी प्याज में साथ में हम लाल करेंगे। बस इसे थोड़ा सा लाल करना है, ज्यादा नहीं। फिर इसके बाद आपको बताते हैं क्या करना है। अब देखिए ये प्याज हल्का हल्का गोल्डन हो चुका है। अब हम इसमें गरम मसाले भी अच्छी तरह लाल हो गए हैं। अब हम इसमें चिकन डालेंगे। Thank you.
पैन डालकर इसे चलाएंगे। तेज आंच पे चलाएंगे, आंच तेज रखें ताकि ये अच्छी तरह से भून जाए और जो पानी छोड़ना है छोड़ दे। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। अब जब थोड़ा पानी सूखने लगे तो हम इसमें आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, आपको बताती हूँ। अब इसमें ये आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर हम इसे हिलाएंगे, चलाएंगे अच्छी तरह से। और थोड़ा सा जब तेल छोड़ने लगेगा, तेल सेपरेट होने लगेगा, तब इसे हम बंद कर देंगे। अब हम अगला प्रोसेस आपको बताते हैं। अब हम कोरमा बनाने की तरफ चलते हैं। कोरमा बनाने के लिए चिकन हम भून रहे हैं, ये साइड में अच्छी तरह से भून जाएगा। और दूसरी तरफ मैंने ये अदरक लहसुन, अदरक है एक इंच का अदरक का टुकड़ा छोटे छोटे पीसेस में काटा है, और 10-15 कलियां लहसुन की है, और आधा चम्मच सौंफ है, और ये हरी मिर्च है जो लाल हो जाती है फ्रिज में। ये 3-4 ले लें, अगर आपको अवॉइड करना है तो कर सकते हैं। और जो मसाले हम इस्तेमाल करेंगे इसमें चारकोल के लिए ये एक कोयला रखा है, और एक चम्मच गरम मसाला है, और 2 चम्मच धनिया है बड़े, और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर है, और ये प्याज जो मैंने लाल करके रखा है ठंडा होने पे इसको मिक्सी में पीस लेंगे। और ये मिर्च जो कश्मीरी मिर्च है भिगो कर रखी है इसका भी पेस्ट बना लेंगे। और काजू बादाम जो हमने भिगा कर रखा है काजू का पेस्ट, ये भी फूल गया है अच्छी तरह, इसे छान कर हम मिक्सी में पेस्ट बना लेंगे। और टमाटर की छिलके भी उतार कर इसका पेस्ट बना लेंगे। तो हम धीरे धीरे आपको बताते हैं कि अब कैसे कर, पहले ये मसाला तैयार कर लेते हैं। अब ये प्याज दाल जो हो गई थी इसे हमने मिक्सी में अच्छी तरह पीस लिया है, और ये तेल गर्म हो गया है, अब इसमें हम इसे डाल देंगे प्याज को। अब इसी जार में हम ये जो मसाले आपको बताएं, लहसुन सौंफ और अदरक और मिर्ची, इसे हम पीसेंगे बारीक पीस कर, एकदम महीन पीसना है, और महीन पीस कर हम इसको पकाते हैं। अब ये अदरक लहसुन और सौंफ वगैरह मैंने पीस लिया है, अब इस मसाले में डाल देंगे, वॉश करके इसमें डाल देंगे। अब हम ये गरम मसाला और धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सब इसमें डाल देंगे। गरम मसाले को आधा हम ये चिकन में डालेंगे, और आधा ऊपर, थोड़ा ऊपर से डालेंगे, और थोड़ा पहले मिला लेते हैं, थोड़ा गरम मसाला बचा देंगे, ये ऊपर से पड़ेगा, और हल्दी भी थोड़ी सी डालेंगे। अब इसे हम साइड करते हैं, और थोड़ा नमक डालकर इसे पकने देते हैं। थोड़ा पानी डाला है मैंने, अब पकने देते हैं, मसाला अच्छी तरह पक जाए, फिर इसमें टमाटो का पल्प निकाल के बताते हैं। अब ये चिकन देखिए पक गया है, मतलब पानी छोड़ दिया। अब हम इसे गरम मसाला मिलाकर इसे चलाएंगे और गैस बंद कर देंगे, फिर इसको हम बाद में वो करेंगे। अब ये सूखी ये शिमला मिर्च है, इसे हम
ये जो कश्मीरी मिर्च है इसे हम अच्छी तरह से पेस्ट बना लेंगे। ये कलर, इसमें फूड कलर नहीं यूज होता, यही मिर्ची का कलर बहुत अच्छी तरह से इसमें आता है। अब ये देखिए, मैंने मिर्ची को अच्छी तरह पीस लिया है, कितना अच्छा कलर है। मैं थोड़ा सी साइड कर देती हूँ क्योंकि पहले हम इसका तीखापन चख लेंगे, फिर उसे डालेंगे। अगर ज्यादा तीखी हो गई तो कोरमा खराब हो जाएगा, तीखा लगेगा, इसीलिए हम थोड़ा सी अलग कर देते हैं और ये इसमें बाद में डाल देंगे। मैंने थोड़ा सी साइड कर रखा है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक थोड़ा डालेंगे क्योंकि चिकन में भी हमने नमक डाला है, तो अपने अकॉर्डिंग नमक डालें। और अब ये धीमी आंच पे पक रहा है। अब हम टमाटर के छिलके उतार कर उसका पल्प बनाएंगे। देखिए ये टमाटर ठंडा हो गया। अब हम इसके, देखिए इसके छिलके इतने आसानी से निकल जाते हैं और ये कोरमा को बहुत ही टेस्टी बनाता है। हम सारे टमाटर के छिलके उतार लेंगे। और इसका पल्प बना के बताते हैं आपको। ठंडा करके छीलें। अब देखिए मसाला एकदम अच्छी तरह तैयार हो गया है। अब ये टोमेटो का पल्प जो हमने पीसा था वो इसमें डाल देंगे और धीमी आंच पे ये टमाटर को पकने देंगे जब तक हम काजू बादाम का पेस्ट बनाते हैं और आपको बताते हैं इसको कब मिलाना है। इसे धीमी आंच पे पकने दें, 5 मिनट बाद ढक्कन खोलते हैं, फिर आपको बताते हैं। ये काजू के टुकड़े और बादाम अच्छी तरह फूल गए हैं। अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे और बादाम के छिलके उतार देंगे। देखिए ऐसा मसल के छिलके उतार देंगे, फिर हम इसको एकदम अच्छी तरह पेस्ट बना लेंगे। और एक तरफ मैंने कोयला लाल करने के लिए रखा है, फिर बताते हैं पेस्ट बनाकर आपको कैसे मिलाना है। ये देखिए मैंने काजू कनी और बादाम का पेस्ट बना के एकदम फाइन पेस्ट बनाया है और अब देखते हैं कंडीशन क्या है। ये मसाला अच्छी तरह पक चुका है और इसमें हम अब चिकन को डाल देंगे। चिकन को डालकर ये पूरे चिकन को इसमें उलट देंगे। इस मुकाम पर आप नमक और मिर्च चख लें। अगर आपको तीखा और नमक कम लगे तो थोड़ी सी जो मिर्ची साइड में निकाल के रखे रहते हैं वो डाल दें और इसे हम थोड़ा पकने देंगे। ये कढ़ाई को धोकर थोड़ा पानी इसमें डाल देंगे। और थोड़ा सा पकने देंगे। ताकि मसाले में चिकन पक जाए, 5 मिनट तक पकने देंगे, उसके बाद आपको बताते हैं क्या करना है। अब 5 मिनट हो गए हैं, मसाला अच्छी तरह पक गया है। अब हम इसमें ये दही, मैंने 3 बड़े चम्मच लिया है दही, ये इसमें डाल देंगे। और ये काजू बादाम का पेस्ट ये भी इसमें डाल देंगे।
और इसको वॉश करके इसका थोड़ा पानी डाल देंगे। और नमक हम चख लेंगे और इसे थोड़ी देर तक हम पकने देंगे ताकि इसका तेल सेपरेट हो जाए। और थोड़ा नमक चख डाल देंगे इसमें, और कोयला जब लाल हो रहा है तो उसे लाल होने दें और इसे हम ढक कर 5 मिनट तक और पकाएंगे। थोड़ा गरम मसाला ऊपर से छिड़क देंगे, जो मैंने गरम मसाला साइड में करके रखा है वो इसके ऊपर छिड़क देंगे। और थोड़ी धनिया इस पर छिड़क कर धीमी आंच पर 5 मिनट तक पकाएंगे। 3 मिनट हो गए हैं, देखिए एकदम गाढ़ापन आ गया है कोरमा में। अब हम ये थोड़ा सा दूध का क्रीम जो घर में निकाल के रखा है वो मिला देंगे और ढक्कन ढक देंगे। और ये कोयला लाल हो गया है, इसे भी हम अभी हम गैस बंद कर देते हैं। चिकन का गैस बंद करके ये कोयले को इसमें डिप कर देंगे। अब 5 मिनट बाद ढक्कन खोलेंगे, फिर इसके बाद हम सर्व करेंगे। अब हमारा कश्मीरी चिकन कोरमा तैयार हो गया है, बहुत ही गजब की डिश है। आप इसे जरूर ट्राई करें और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया।